के अंदर 1% भी गलती नहीं है, क्योंकि सेना तो सरकार के आदेश पे कार्य करती है। क्योंकि इससे पहले भी आपने सेना का शौर्य देख सके, कारगिल युद्ध हो, चाहे 71 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, जिसके अंदर सेना का शौर्य तो पॉलिटिकल है, बिल्कुल पॉलिटिकल हल आर्मी की, इसमें 1% भी गलती नहीं है। ये जो देश के सत्ता में जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, इनकी कमियां हैं कि इन्होंने समय रहते हुए उस मुद्दे पे कोई ध्यान नहीं दिया और आज ये मुंह छुपा रहे हैं उस चीज, ये इनकी गलती है। आर्मी हर पल पल की खबर दिल्ली को देता है, आर्मी का काम है अगर दी बॉर्डर पे कोई भी मोमेंट है तो उसका पीछे वो अपने हेडक्वार्टर को देता है, हेडक्वार्टर दिल्ली को देता है, क्योंकि हम सर्विस में थे हम भी यही करते, पल पल की खबरें देता है। लेकिन दिल्ली में जो निकम्मे लोग बैठे रहते हैं वो उसके रिप्लाई नहीं देते, जिसका खामियाजा आज हमारे 20 जवानों की शहादत से भुगतना पड़ा। और चाइना कोई आज से नहीं कर रहा, काफी सालों से कर रहा है, पहले भी हमारी कितनी जमीन कब्जा किया हुआ है। और चाइना कभी भी भारत के साथ युद्ध नहीं चाहेगा, शायद जनता को यह नहीं पता हो, लेकिन मैं क्लियर कहना चाहता हूँ कि कभी भी चाइना युद्ध नहीं कर सकता भारत के साथ, क्योंकि उसे रिजांगला का युद्ध याद है। चाइना के सैनिक नहीं लड़ सकते हमारे साथ, क्योंकि हमारे रिजांगला की जो आपने बात की, क्योंकि आज हम जिस इलाके में मौजूद है यहीं के सैनिक जो है सबसे ज्यादा शहीद हुए थे और वो सबसे बड़ी लड़ाई भी मानी जाती है। बिल्कुल, सबसे बड़ा युद्ध था, एक एक ने मल्ल युद्ध के 10-10 को मारा था। आज मोदी जी ने कहा कि जो है हमारी जो जो शहीदों का बलिदान है व्यर्थ नहीं जाएगा। नहीं, खाली कहने से तो पुलवामा में भी किया था उन्होंने, पुलवामा में भी कहा था कि पुलवामा के नाम पे वोट भी मांगा था। उसके बाद क्या सर्जिकल स्ट्राइक में कहा था कि जी हमने उनके 600 मार दिए, ये तो सब अफवाहें। आज कह रहे हैं कि हमने चाइना के 40 से 43 जवान मारे हैं, अब कौन सा ये कैमरा लेके गए थे, ये चीजों की झूठी अफवाहें फैलाते तो हमारे जान सबको पता है। अब देश के सामने जो पाते आ गई, एक नियत्थे थे और उनके पास हथियार थे, हथियार का मतलब जो खोखली होता है वहां रखते हैं। हमारे जवानों को भी तो कम से कम अलाउ करना चाहिए था आपको, उनके पास डंडे भी थे, लोहे की रोड भी थी, उनके पास तो हथियार थे, लेकिन फिर भी जवान उनसे लड़े। सबसे बड़ी चीज इसमें देखने की बात यह है कि एक कर्नल मारा जाता है, कर्नल मारने का अर्थ यह है कि एक बटालियन का कमांडिंग अफसर पूरी बटालियन पे जो कमांड करता है, एक बटालियन मरना, एक कमांडर कर्नल मरता है तो एक बटालियन पूरी मानी समझिए मर गई है, फिर भी फायर का आदेश नहीं दिया। इसके पीछे राज क्या है? ये सरकार की नाकामी है, इसका आदेश तो सरकार को देना चाहिए था ना। जब आप किस जवानों को अटैक कर ही दिया, फिर आपने क्या देखना था? समझौता तो आपका खत्म ही हो गया था, तो पीछे हमारी स्पोर्ट के अंदर जो जवान थे कम से कम उनको तो आदेश देना चाहिए था फायर का। लेकिन इसके अंदर कुछ गोलमोल है कि हमें लग रहा है सूत्रों के अनुसार कि कुछ जवान जो है हमारे उनके पास है। आज जो है 10 जवान हो छोड़ा गया है चाइना की तरफ से, रिहा और भी हैं हमारे, तक कहा जा रहा था कि कोई भी हमारा जवान चाइना की गिरफ्त में नहीं है। फायर ना छोड़े, जैसे देश के बहुत से लोग इस चीज के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई फायर क्यों नहीं किया। फायर इसी स्थिति में नहीं किया जाता कि हमारे जवान अगर भी उनके पास कैप्चर है तो उनको नुकसान पहुंचाएंगे, तो हमारे जवानों को बचाने के लिए ये थोड़ा साइलेंट रहना पड़ता है, फायर नहीं करते। यही वजह होता है, ये स्थिति देश के सामने साफ करनी चाहिए इनको, अगर भाई ऐसे ऐसे हमारे जवान जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया, कुछ छुपाया जा रहा है। नहीं, ये तो लग नहीं रहा, सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, सत्य है। और जो जवान जो दिखा रहे हैं, जो 20 जवान मरे हैं, इनकी भी संख्या आप देखेंगे ज्यादा निकलेगी आपके सामने, 27 के करीब तकरीबन जो है हमारी जो शहादत है 27 के करीब है, और हमारे 17 के करीब जवान आज आप कह रहे हो, मैं तो नहीं सुना है, हो सकता है 10 जवान रिटर्न किए हैं, तो और भी 17 के करीब जो हमारे पास जो डिटेल है जो फौज की तरफ से 17 के करीब उन्होंने कैप्चर किए थे, तो उसकी वजह से हो सकता है फायर ना किया। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा पहली बार कि आज तक टीवी चैनल के ऊपर एंकर जो है वो सेना की गलती बता रहे हैं, तो कह रहे हैं कि सेना का काम है पेट्रोलिंग करना, इसमें सरकार ही कोई गलती नहीं है। तो जब सर्जिकल स्ट्राइक किया तब तो मोदी जी का नाम है, क्योंकि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, और जब सेना की जब शहादत हो जाती है तब सेना को बदनामी देते हैं। भाई ये सारी कानून व्यवस्था सब कुछ सेना का काम है, लड़ना वो तो लड़ेगी, आप आदेश दीजिए वो तो तैयार है, आप चाइना आप आदेश दीजिए, चाइना के अंदर कल ही 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर अंदर घुसने को तैयार है, वो अपनी जान की परवाह नहीं करता, क्योंकि सेना, मैंने बार बार कहा है, सेना तिरंगे के नीचे कसम खाती है, और मोदी जी नागपुर के झंडे के नीचे कसम खाया, तो ये फर्क है, नागपुर के झंडे का और तिरंगे का सम्मान का बहुत ज्यादा फर्क है। तो इस तरह की मोदी जी को बचाने के लिए टीवी चैनल जो मोदी चैनल जो लगे हुए हैं, ये गलत नीति है, पूरे देश को इसका विरोध करना चाहिए। दूसरी बात, अभी लोगों को उलझाया हुआ है कि आप चाइना का सामान का बहिष्कार कीजिए, चाइना का सामान का बहिष्कार कीजिए। मोदी जी के एक मंत्री है रामदास अठावले, उन्होंने यहाँ तक कहा कि चाइनीज जो खाना है उसका बहिष्कार कीजिए, ये कौन सा तर्क हुआ? क्योंकि जो भी चाइनीज फूड यहाँ पे बन रहे हो तो हमारे यहाँ के लोग हैं, उससे चाइना की अर्थव्यवस्था का क्या लेना देना? मैं ये कहता हूँ, देश के गृह मंत्री हैं, उसके लड़के बीसीसीआई के अध्यक्ष, उनको बोलिए कि सबसे पहले जो वीवो का कॉन्ट्रैक्ट है, कितना 441 करोड़ कितने का है, उसको आप रद्द करके दिखा दीजिए।
आपने जितने टेंडर चाइना को दे दीजिए वो आप रद्द कर दीजिए, आम जनता तो कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है, आम जनता तैयार है। सरकार पहले बहिष्कार करे, सरकार को करना चाहिए, जनता बाद में, जनता तो तैयार है, जनता तो अभी भी कर रही है। आपने देखा बहुत से लोगों ने ऐप वगैरह भी डिलीट किया, आप देखेंगे यूजर कम हुए हैं, जनता तो कर रही है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार तो उनके राष्ट्रपति को बिठा के झूला झूला रही है, कभी चाय पिला रही है उनको। मोदी जी जिस जिस देश में गए आप देखिए, पहले पाकिस्तान में बिरयानी खाए उसने पीठ में छुरा घोंपा, फिर चाइना को, जबकि मुझे अच्छे से याद है माननीय नेताजी जो मुलायम सिंह डिफेंस मिनिस्टर, उसके बाद भी उनके बयान संसद का मुझे आज भी याद है, उन्होंने बार बार सरकार को चेताया था कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, चाइना पे हम विश्वास ना करें। जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं हर बार चेता रहे हैं कि नहीं चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन फिर भी चाइना जैसे देश से पटेल की मूर्ति मंगवा रहे हो आप बनवा के, क्या भारत में नहीं बन सकती? तो सरकार को सबसे पहले इसका बहिष्कार करना चाहिए। आर्थिक अगर दी चोट हम चाइना को पहुंचाते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज है। और रही बात युद्ध की, तो देखो आज की सिचुएशन में युद्ध में कोई फायदा नहीं है, मैं तो ये कहता हूं नुकसान ही, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं, उसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसका जवाब ना दें। उसका जवाब तो आप दे सकते हैं, शहादत का बदला ले सकते हैं, जैसे आपने पाकिस्तान से, आप कह रहे हो कि हमने लिया, तो अब चाइना से भी लीजिए आप। इस पर आप चुप क्यों है, मौन क्यों है? और सबसे बड़ी दुखद बात तो ये है कि देखो, सबसे बड़ी दुखद बात ये है कि शहादत होने के बाद भी एक प्रधानमंत्री जो कि छोटे छोटे गुंडा और माफिया के मरने पे ट्वीट करते हैं, इतने जवानों की शहादत के ऊपर उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया। विदेश मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, 75 ट्वीट किए, लेकिन उन्होंने कहीं चाइना का नाम नहीं लिखा। विदेश मंत्री पहले कहते हैं, विदेश मंत्री के बयान बार बार कहते हैं कि नहीं सेना के पास हथियार नहीं थे, लेकिन कल वो अपने बयान में कहे उनके पास हथियार थे। देश के विदेश मंत्री को यही नहीं पता कि समझौता क्या है, जो है नाम नहीं लिया, उसको लेकर राहुल गांधी ने भी निशाना साधा कि आप चाइना का नाम लिख नहीं रहे। भाई क्या इनको क्या डर है, चाइना इनको क्या दिया? पार्टी में फंड तो नहीं दे रखा कहीं बहुत ज्यादा इनके पास, जो है कहीं इनका व्यापार में समझौता चाइना से तो नहीं है? और दूसरा ये हमला होना, जब भी हमले, पुलवामा हमला चुनाव के समय हुआ, ये हमला होना, चुनाव का बिहार का दौर है चुनाव, और बिहार रेजिमेंट का वहां होना, तो इसके अंदर राजनीतिक बू तो जरूर आती है, तो इसकी निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए कि हमारे जवानों की शहादत, जब भी चुनाव आएगा हमारे जवानों की शहादत ऐसी होती रहेगी क्या? पुलवामा भूला ही नहीं था देश, पुलवामा जो नरसंहार हुआ था ये उससे बड़ा नरसंहार है। अगर ये जवान कोई युद्ध में मरता है तो उसे शौर्य प्राप्त होता है, लेकिन ये तो धोखे से मारे गए हैं रात के अंधेरे में, धोखे से, किस प्रकार से, और लाठी डंडों से। अब ये सोचिए कैसे तड़फा तड़फा के उनको मारा गया होगा, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। सरकार को इसके ऊपर ठोस कदम उठाने चाहिए, राजनीति बंद करके, आप सभी पार्टियों, देश पूरा आपके साथ खड़ा है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, वही जो सर्वदलीय बैठक हो रही है उसमें आम आदमी पार्टी और आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल उनको इन्वाइट नहीं किया गया है, तो आपको क्या लग रहा है? अभी उसमें तो मैं देख रहा था, कई बोले हमने शर्तें लगाई हैं, पहले तो कह रहे हैं जी 5 सांसद होने जरूरी है, तो आरजेडी के तो 5 सांसद भी हैं, अब कुछ और नियम शर्तें लगा रहे, ये तो राजनीति इशू है इनका, और कोई मतलब नहीं है राजनीति का। इसके अंदर ऐसा है कि आम आदमी पार्टी, सबको पता है कि केजरीवाल जी के पास में संजय सिंह जैसे उनको भेजते, वो पढ़े लिखे हर मुद्दों पर उनसे बेबाक बात करते, हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी की हर बात को मान्य ना हो और उनसे बहस भी करे, तो इसलिए नहीं जोड़ा गया होगा। ऐसे भी आरजेडी में भी एक दो नेता हैं जो स्पष्ट तौर पे, खुले तौर पे बोलते हैं, तो इस वजह से ना जोड़ा गया हो कि कई आप पहले भी देखा है मीटिंगों के अंदर जो अच्छे बोलने वाले नेता उनको नहीं जोड़ते, क्योंकि उनकी मर्जी है किसको जोड़ना है किसको नहीं जोड़ना, इनकी सत्ता है। लेकिन सर अब सवाल यही आ रहा है, क्योंकि अगर जनता बाइकॉट कर रही है और चाइनीज जो प्रोडक्ट है उसे बहिष्कार ही बातचीत कर रही है, तो और क्या क्या आपके हिसाब से होना चाहिए और किस तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए? नहीं देखो, बहिष्कार तो आप कर रहे हो, लेकिन देश के पास उसका विकल्प क्या है? मैंने सबसे पहले तो आज देखिए, कोरोना की महामारी वैसे चली हुई है, आपको मेडिसिन की बहुत जरूरत है, जितने आपके ऑपरेशनली इक्विपमेंट जितना बनता है वो चाइना से आता है, टोटल का टोटल चाइना से आता है, यहाँ तक कि आपकी टेस्ट किट भी चाइना से। आत्मनिर्भर भारत की तो बात कर रहे हैं मोदी। आत्मनिर्भर भारत तो मजदूर तो आत्मनिर्भर ही है, आत्मनिर्भर इसीलिए तो पैदल चला गया, दिल्ली से बेचारा बिहार तक यूपी तक आत्मनिर्भर था, इसलिए पैदल चला गया। आत्मनिर्भर की तो ये नए नए लाते हैं, आत्मनिर्भर तो हम है ही, सरकार से कोई मदद ही नहीं मिल रही, भूखे मर रहे हो, तो आप आत्मनिर्भर तो अपने आप ही हो। मेडिसिन का 70% हिस्सा चाइना से आता है, जो 30% जो मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान के अंदर होती है उसका रॉ मटेरियल भी चाइना से आता है, तो आप बताइए क्या बहिष्कार करोगे आप? पहले अपने आपको तैयार कीजिए, अपने देश के अंदर उद्योग धंधे वो तो आपने लगाए नहीं, वो भी चाइना को टेंडर दे रहे, रेलवे के टेंडर आपने चाइना को दिए हैं अभी कुछ दिन पहले ही तो दिए हैं,
अभी शायद कोलके में क्या हुआ मुझे नहीं पता, हाँ अभी कुछ दिन पहले 1142 करोड़ रुपए का वो भी दिया गया। तो सारे टेंडर चाइना को तो दे रहे हैं, पब्लिक को कह रहे हैं हर चीज में। जैसे कोरोना महामारी में कहा था ना कि वही हिसाब हो गया कि सरकार तो सिर्फ ताली और थाली बजवाने के ऊपर, करना तो कुछ है नहीं, आत्मनिर्भर का नारा दे दिया आपने लास्ट में। अभी सर आपने कहा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले देखा गया जब यूपीए की सरकार थी उस दौरान जो बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता थे वो लगातार सवाल उठाते रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। जब भी चाइना को लेकर कुछ बात होती थी तो हमेशा सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब अगर कोई विपक्ष का नेता आवाज उठाए तो उसको सीधा देशद्रोही कहा जा रहा है। अगर कोई मोदी से सवाल पूछ रहा है तो उसको कहा जा रहा है तो देश के खिलाफ है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो हर व्यक्ति को देशद्रोही कहते हैं, जबकि सबसे बड़े देशद्रोही ये हैं, इनके तो प्रमाण हैं। मोदी जी किससे आते हैं? आरएसएस से आते हैं, और आरएसएस के प्रमाण है जब देश आजादी की लड़ाई लग रहा था तब ये लोग अंग्रेजों के साथ थे। इन्हीं की सरकार के दौरान जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब कारगिल हुआ, इन्हीं के दौरान हुआ। आज ये चाइना का मामला इनकी भी सरकार के होता है, ये तो देशद्रोही। जब कोई व्यक्ति जब खुद चोर होता है तो उसको डर होता है कि देशद्रोही तो खुद है, जितने सत्ता में बैठे सारे डोन माफिया जितने हैं, जितने बलात्कारी हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के सारे तो आज बीजेपी की सत्ता में बैठे। और जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब चाइना के मामले पे आपने खुद मोदी जी के भाषण सारे सुन लीजिए, कितने चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, आज क्यों बोलती बंद होगी, क्यों नहीं ला ला करके बात करने वाली बात थी। और ये भी कहा गया कि हम ना ही तो आंख झुकाएंगे ना ही दिखाएंगे, हम आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। विदेश नीति को लेकर जब सवाल पूछा गया, वो तो सिर्फ झूला वहां के राष्ट्रपति को जो बिठा के झूला झूला रहे थे उस टाइम देखना था ना इनको कि आंख मिला के बात करे उसका खामियाजा क्या भुगतेंगे। नेपाल जी शर्म की बात, तो ये नेपाल जैसा जैसे भारत की खाता है, नेपाल के लोग इंडियन आर्मी में भर्ती होते हैं, पैरामिलिट्री में भर्ती होते हैं, यहाँ हर जगह आपको कोई ना कोई नेपाली मिल जाएगा, वही तुम्हें आंख दिखा रहा है। और उसने अपना अलग से नक्शा बना लिया और अपने हिस्से को अपने में दिखा रहा है और आप कुछ नहीं कर पाए। आप क्या किया इन्होंने अभी तक नेपाल के ऊपर ही क्या किया? चाइना तो इनसे बस की बात नहीं है, लेकिन इन्होंने बता दें नेपाल के ऊपर क्या किया। तो हर नीतियों में फैल रहे हैं, कहीं भी देख लीजिए, चाहे देश के अंदर की देख लीजिए चाहे पड़ोसी देशों से, जितने भी पड़ोसी देश हैं इनके किसी से कोई अच्छे संबंध नहीं। अगर हर पड़ोसी से आप लड़ाई झगड़ा करते रहोगे तो आप कैसे भारत को आगे ले जाएंगे? तो आप क्या कुछ डिमांड है एक फौजी के तौर पर, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो चाइना को इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। चाइना की ये हिमाकत तो जिस प्रकार से जो नरसंहार किया, इसका जवाब तो उनको बहुत जरूरी है देना चाइना को अंदर, किसी भी तरीके से दे आप। उसके तरीके बहुत हो सकते हैं, बहुत क्या फाइनेंशियली तरीके से उसे चोट भी कर सकते हैं, या आप उससे जैसे उसने हमारे ऊपर घात किया तो क्या हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, तो हमारे भी सैनिकों को आदेश दीजिए कि आप भी इसी प्रकार से घात कीजिए, और सैनिक तैयार है करने के लिए, लेकिन सेना को आप आदेश तो दे, या चाइना माफी मांगे इस चीज के लिए, कबूल करे कि हाँ हमारे तो वो तो मानने को भी तैयार नहीं है, वो तो कह रहा है कि भारत हमारे इलाके में घुसा है, हमारे इलाके में घुसकर कुछ नहीं, इसका जवाब तो इसके लिए माकूल जवाब देना चाहिए। और जिस चाइना का जो बहिष्कार जो कहने की जो बात कर रहे हैं, तो पहले सरकार करे, सरकार पहले करे। मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है ये चीज जायज है? नहीं, मोदी जी को जब कुछ कर ही नहीं रहे तो ऐसे मुखिया का तो कोई काम है नहीं। मैं तो कहता हूँ उसको पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, जिस प्रकार से कोरोना के इसमें झोंक दिया देश को, अब चाइना का आ गया तो इनको तो बहुत पहले दे देना चाहिए। कोई अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो कम से कम इस देश को चला दे, वरना देश तो बर्बाद हो गया। क्योंकि आज देश के युवाओं की कंडीशन क्या है आप देख लीजिए, बहुत बुरी हालत सिचुएशन में जा रहा है। और ये जो नेपाल, मेरा अपना मत है, जो नेपाल जो भारत से भटक रहा है उसकी वजह है क्योंकि भारत बर्बादी की कंडीशन पे जा रखा है। भारत की आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब है, जीडीपी भारत की आप देख रहे हो। जब नेपाल को चाहिए पैसा क्योंकि गरीब देश है, उसको मदद चाहिए, जब उसे लग रहा है कि भारत से तो कुछ नहीं मिलने वाला, भारत का खुद की सिचुएशन ये, आज वो नेपाल चाइना की गोद में इसलिए जाके बैठ रहा है जब भारत उसकी मदद करता था, भारत के साथ था। क्योंकि सर जब चुनाव के दौरान कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो जो हमारी जो सीमाएं हैं वो मजबूत होगी बीजेपी के आने की वजह से, जो कांग्रेसी टाइम में जो है हमने बहुत कुछ झेला है, इस तरह की बात कही जा रही थी, तो उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं देखो, कांग्रेस के समय में फौज के अंदर मानते हैं कमियां सरकारों में रहती है, कांग्रेस की भी कमियां थी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बिल्कुल सही थी इसलिए सत्ता के बाहर फेंका लोगों ने, लेकिन इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम के सिवाय और तो कोई दीवार मजबूत की नहीं। जितना सेना के अंदर राजनीतिकरण हुआ है इससे पहले कभी नहीं है, और जिसका अंजाम आप देख रहे हो। यहां तक कि ये सिचुएशन है कि बॉर्डर की हकीकत ये है कि अगर एक बम भी फायर करना है तो उसका आदेश बीजेपी हेडक्वार्टर से लेना पड़ता है, ये सच्चाई है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, जो कमांडर होते थे वो इंडिपेंडेंट होते थे, उनकी अपनी मर्जी होती थी, बॉर्डर की सिचुएशन जो उन्होंने आदेश दे दिया वो गवर्नमेंट को मानना होता था।
आप जर्नल की नियुक्तियां देख लीजिए, चाहे पहले जो नियुक्तियां निष्पक्ष होती थी, आज वो नियुक्तियां भी निष्पक्ष नहीं है। जिस प्रकार से रावत को CDS बनाया गया है, रावत जो थे इनका बैकग्राउंड अगर देखें, इनको जर्नल भी जो है गलत तरीके से बनाया गया था, आज उनको CDS बना दिया गया। वो तो बीजेपी की भाषा बोलते, एक जर्नल का क्या लेना देना राजनीति से।